एग्जाम्पल नंबर 10, एक सेट दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 20। इसको चेक करना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू प्लस, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को क्लोज है कि नहीं है। तो इसमें से कोई से दो नंबर ले ले, 10 और 15 सपोज मैंने ले लिए ए से, इन दोनों को प्लस करें 25, वो इसके अंदर नहीं है, सो इट इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू प्लस। फिर कोई और नंबर ले ले या यही ले ले और मल्टीप्लाई कर ले, यानी 4 और 20 ले लिए इसमें से, तो मल्टीप्लाई किया तो 80, तो इसमें नहीं है, तो इसलिए ये सेट ए जो है ये क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एग्जांपल नंबर 11 पे आ जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक। तो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट इसमें से कोई दो एलिमेंट ले ले, 3 और 5 प्लस करे 8, 8 नेचुरल नंबर में मौजूद है। अब आ जाएँ जी 5 और 3 ले ले, 8 आ गया, वो भी नेचुरल नंबर है, तो दोनों के 3 प्लस 5 और 5 प्लस 3 से ए दोनों से 8 आता है, तो इसलिए 3 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और नेक्स्ट जो है ना, अभी कोई दो एलिमेंट ले ले और मल्टीप्लाई कर ले, यानी 2 और 10, तो मल्टीप्लाई करे तो 20, और अगर 2 और 10 मल्टीप्लाई करे 20, तो 10 और 2 मल्टीप्लाई करे वो भी 20 है, दोनों बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है ना इज़ कम्यूटेटिव ओवर दिस सेट। अब जेड ले ले, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें कोई दो एलिमेंट्स ले ले, -1 और 2, दोनों को प्लस करे तो 1 आता है, -1 प्लस 2 से भी 1 आता है, और 2 प्लस -1 से भी 1 आता है, बराबर है, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस होल्ड कर रहा है। अब मल्टीप्लाई के लिहाज से भी चेक कर लो, ये दो एलिमेंट्स ले लिए, -2 और -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करे 6 आता है, और अगर -3 और 2 को मल्टीप्लाई करे तब भी 6 आता है, तो इसलिए -2 मल्टीप्लाई बाय -3 और -3 मल्टीप्लाई बाय -2 दोनों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों से +6 आ रहा है। सो जेड इज़ हैविंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब और एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, उनको प्लस और मल्टीप्लाई के लिहाज से चेक कर सकते हैं इस सेट जेड में से। अब कोई और सेट जो हमें दिया है, एक सेट दिया हुआ है इसी एग्जांपल 11 में के रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सेट क्या होता है, उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे होते हैं, जिसमें क्यू जो नीचे डिवाइड वाला है वो ज़ीरो नहीं होता। तो ये भी 2 जो है ना, ये रेशनल नंबर है, 2/1 की शक्ल में लिखा जा सकता है, 3/5 और ले लिए, इन दोनों को अगर आप प्लस के लिहाज प्लस करें तो इससे आता है 13/5, और दूसरी अगर 3/5 के साथ 2 प्लस करें तब भी 13/5, तो 2 प्लस 3/5 इज़ इक्वल टू आता है 3/5 प्लस 2। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस होल्ड कर रहा है। इसी तरह मल्टीप्लाई करने के लिहाज से भी चेक करें, वो भी होल्ड कर रहा है, दो एलिमेंट ले लिए 2/3 और 1/7, मल्टीप्लाई करें 2/21, 2/3 मल्टीप्लाई 1/7, और 1/7 मल्टीप्लाई 2/3, दोनों से एक ही आंसर आ रहा है, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ये सेट होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लस और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से ये सेट जो क्यू का है, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अभी रियल नंबर्स पे आ जाए, रियल नंबर्स बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, यानी रियल नंबर रेशनल और इरेशनल के यूनियन के बराबर होते हैं, बराबर है। तो इसमें कोई रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर अगर दोनों ले लें, अगर आप प्लस करें इन दोनों को, यानी 2 प्लस 5 2.5 प्लस 3.17,
तो जो आंसर आता है, और 3.17 पहले कर दे, 2.5 बाद में करे, फिर जो आंसर आता है सेम आता है, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। फिर 2.5 और 3.17 ये दो नंबर ले लिए, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2.5 मल्टीप्लाई 3.17, तो जो आंसर आता है, और 3.17 पहले कर दे, 2.5 बाद में करें, तो जो आंसर आता है सेम होता है, इसलिए 2.5 मल्टीप्लाई 3.17 और 3.17 मल्टीप्लाई 2.5 बराबर है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। नेगेटिव सिंबल है जो ऑपरेशन है, उसके लिहाज से हमने चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है नेचुरल नंबर पे या नहीं। तो हमने क्लोज देखना है कि क्या क्लोज है ये सेट के नहीं है माइनस के लिहाज से। तो n एक सेट ले लिया हमने, उसमें से दो एलिमेंट ले लिए, और चूंकि माइनस के लिहाज से है तो 3-2, 1 ये तो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन अगर हम 2-3 करेंगे, पहले 2 ले ले फिर 3 ले ले, तो इससे -1 आता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इस सेट में माइनस एलिमेंट नहीं होते, तो इसलिए ये क्लोज नहीं है। अब कोई और एलिमेंट ले ले 1 और 5, और 1-5 से -4 आता है, तो वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए n इज़ नॉट अ बाइनरी इज़ नॉट होल्डिंग बाइनरी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू माइनस। अब z ले ले, लेकिन z जो है ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, क्योंकि 2 और 3 ले, 2-3 से -1, तो -1 इसके अंदर मौजूद है, फिर -2 और 3 ले ले, ठीक हो गया, तो -2, -3, तो -5 वो एक क्या है, इंटीजर है, जेड के अंदर मौजूद है -5, ये है -2, तो -3, -4, -5 आगे मौजूद है। अब ले ले 5 और -1 ले ले जेड से, तो 5-1, ये माइनस हमने करना है ऑपरेशन, तो ये 6 आता है जो कि Z के अंदर आगे जाके 3, 4, 5, 6 मौजूद है, तो इसलिए Z इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन माइनस। अब जो है ना हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.7 अगले वीडियो में इंशाल्लाह।